लगातार चर्चाएं जारी हैं। और चलिए इसी बीच दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर कुछ ही देर पहले ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर एक साधारण समारोह में उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। नागौर के प्रतिष्ठित नाथूराम मिर्धा के परिवार से हैं ज्योति मिर्धा। नागौर से कांग्रेस टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी है लोकसभा का, और 2009 में सोनिया गांधी खुद ज्योति मिर्धा के लिए प्रचार प्रसार कर चुकी है। आपको बता दें कि डॉक्टरी छोड़कर राजनीति में आई है ज्योति मिर्धा। वहीं पूर्व सांसद ज्योति एसएमएस मेडिकल कॉलेज से पास आउट है, एमबीबीएस कर रही थी, पेशे से डॉक्टर रही है और उसके बाद राजनीति में आई। कांग्रेस से उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और अब उसके बाद अगर वर्तमान की बात की जाए तो आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं नागौर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर मिल रहा है, क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है। ज्योति मिर्धा एक जो है ऐसे परिवार से आती है जो काफी लंबे समय से कांग्रेस का सहयोगी रहा है। आज जो परिस्थिति राजस्थान में है, विशेष तौर पर चाहे महिलाओं को लेकर के, महिला अत्याचार को लेकर के, चाहे हमारे खुद के जो कार्यकर्ता है उनकी जो अनदेखी है उसको लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के, तो जैसा कि अभी आदरणीय अरुण सिंह जी ने बताया कि कई लोग ऐसी घुटन महसूस कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस का परिवार छोड़ करके बीजेपी को अपनाया है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ में विश्वास जताया है और आप लोगों ने जो आज मुझे यहाँ पे पार्टी की सदस्यता दिलवाई है, मैं आपको सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपने जो विश्वास दिखाया है सब 2023 के इलेक्शन में, 2024 के अंदर हमारी तरफ से जो भी प्रयास बन सकेगा हम करेंगे कि पार्टी को और संगठन को मजबूत कर सकें, राष्ट्र निर्माण के अंदर जो भी छोटी बड़ी भूमिका निभा सकें, जो भी पार्टी के एक सच्चे सिपाही की तरफ से तरह से काम करके और हमारा सहयोग कर सके उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। यही विश्वास मैं आपको दिलाना चाहती हूं। तो वही ज्योति मिर्धा आज बीजेपी